इसे पर गली गली का हमसे भी जाते हैं। अच्छी गेंद थी, गेंद को खेला हवाते हैं, उसके नीचे खुद फील्डर को वहां पर बॉलर मौजूद है और काटर बोल्ड वहां पर है। एक आसान सा कैच लेकर वहां पर पवेलियन जा रहे हैं, छोड़ के रखे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है कि हम ताली मार ले, कोई बड़ा शॉट लगे वही चुम्बक स्वागत किया जाए और तालियों से गड़गड़ाहट से उस खिलाड़ी का स्वागत किया जाए। इस बार शॉट लेके ड्राइव करना चाहते थे, विकेट कीपर से मिस फील्ड हुआ है, जैसी मारे का पार चलेगी चार रनों के लिए। नौ ओवर की समाप्ति पे चलाने का टोटल स्कोर है, स्कोर बोर्ड पर 76 रन, 8 विकेट के नुकसान पे अंतिम ओवर की अगली गेंद लेकर हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंद थी, स्टंप के ऊपर जाते हुए गेंद जाते हुए तब भी हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंदीदार गेंद तो खेला हवा में, उसके नीचे के तार खुल जा रहे, फील्डर वहां पर जा रहे हैं और इस तरह से एक आसान सा कैच नहीं कहा जा सकता। 15 से 20 कदम को दौड़ कर उस गेंद को पकड़ा वहां पर, शानदार कैच थी। पप्पू इस ओवर में अगली गेंद लेकर सभी के लिए अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया, उसको प्लेस किया, फिर से फील्डर उसके नीचे जा रहे, एक रन पूरा किया, दूसरा रन ले रहे हैं, फिर से मिस फील्ड हुआ जहां पर एक रन होना चाहिए था, 3 रन दौड़कर पूरा कर लिए वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने और काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा इस 3 स्कोर जा पहुंचा है तिलाने का 81 रन, 9 विकेट के नुकसान पे 3 गेंदों का शेष खेल बचा हुआ है, रिहान बल्लेबाजी करने काफी समय बिता चुके हैं, 3 गेंदों का सामना बचा हुआ है। इस बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, उसके नीचे फील्डर जा रहे हैं, एक रन पूरा किया, जब तक रिंकू फील्डर उसको फील्ड करके थ्रो करते 2 रन दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ ही तिलाने का स्कोर जा पहुंचा है 81 रन, 9 विकेट के नुकसान पे मात्र 2 गेंदों का और शेष खेल बचा हुआ। पहले इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, अटैक करना चाहते थे, इसके साथ ही 10 ओवर की अंतिम गेंद भी यहां पर समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर तिलानी का पहुंचा है 84 रन। हम आपको बता दें जो दर्शक इस मैच में काफी देर से पहुंचे हैं, इस टूर्नामेंट में मात्र भीमू प्रीमियर लीग 2023 असनारा में जो आयोजित हुआ उस टूर्नामेंट का आज तिलाने के बीच ये मैच खेला जा रहा है, इस टूर्नामेंट का 8वां मैच खेला जा रहा है। आज तिलाने के बाकी जगह बिड़े गेंद करके थ्रो कर पहली गेंद लेकर धर्मेंद्र हमसे दूर जाते हुए रिंकू के लिए उड़ी गेंद, हवा में काफी दूर गेंद जा रही है, केसी मरेगा की तरफ जा रही है, अंपायर का इशारा का इंतजार है, ये 4 रन, 30 स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला गया, हवा इक्वायर स्ट्रोक वहां पर है, काफी देर हवा में गेंद थी, अच्छी गेंद नीचे रहती हुई गेंद की अगली गेंद लेकर ऊपर का बॉलिंग करते हुए छोटा सा रन पहुंचे दूर जाती है। इस बार गेंद को फ्लिप किया है रिंकू ने, गेंद हवाई पर हवाई रास्ते में जाती हुई अब जाके टप्पा खाई है दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए, गगन चुंबी छक्का आता हुआ दो ओवर की समाप्ति पे भिड़ई का स्कोर है 22 रन है बिना किसी नुकसान के कप्तान। और इस उधर की अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद कट किया है उसको कवर के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए हमसे दूर जाते हुए सात अमले गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, उसके नीचे 2 फील्डर जा रहे हैं, सिर्फ फायदा नहीं, सिर्फ गेंद को सीमा रेखा के बाहर से उठा कर लाकर थ्रो कर सकते हैं, तो लेकर हमसे दूर जाते हैं चौड़े करके खिलाड़ी उनके सामने है बल्लेबाज धर्मेंद्र, कुछ इस ओवर में अगली गेंद लेकर उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं और वहां पर एक आसान से कैच शॉट ऑफ लेग गेंद थी, इस बार बचेंगे नहीं खयाल, टिकट वहां पर देकर पवेलियन ही आना है बल्लेबाज रिंकू, लंबे लंबे कदमों से महबूब आलम किए गए है, महबूब आलम इस ओवर में अगली गेंद लेकर सामने है बल्लेबाज रिंकू के लिए उड़ती है शॉट आगे गेंद खुल गया है, इसके नीचे फील्डर आ रहे हैं, हवा में गेंद अभी भी है, 2-3 फील्डर आ रहे हैं और इस बार नहीं बच पाएंगे, भैया धराई गई आपको एक की जीवन दार मिला था इसी ओवर में मिला था, फिर से वही भरपूर कोशिश की थी, टीम का स्कोर बेहतर का इजाफा किया, टोटल स्कोर जा पहुंचा है 34 रन, 3 विकेट के नुकसान थे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर महबूब आलोक के लिए अब से दूर जाते हुए उनके खतरा के लिए अभी खेली चुका तो चुझा रहे हैं, इस ओवर की अगली गेंद लेकर आपसे दूर जाते हुए
उस अपील का अभी तक कोई प्रभाव नहीं। हरी आउट चले लंबे लंबे करने से वहां पर फील्डर के पालन करना होगा इस ओवर की अगली गेंद लेकर गोलू के लिए प्रहार करना चाहते थे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर धर्मेंद्र लंबे लंबे कब्जे से आपसे दूर जाते हुए आलोक के किनारे लगा है स्लिप के खड़े हुए फील्डर के ऊपर से सीमा रेखा की तरफ जा रही है। गेंद खुद पर खुद रुकती हुई यहाँ पर सीमा रेखा के अंदर और अंपायर का इशारा हुए लंबे लंबे कब्जे से उनके सामने है बल्लेबाज आलोक के लिए उनके भी अच्छी गति पार फिर से मिडफील्ड में स्लिप के खड़े हुए फील्डर से काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी जैसे गेंद देख रहे शॉट ऑफ लेन है हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया आलोक के लिए उनके अधूरी किनारा लगा था हवा में गेंदी बॉलर के हाथों में लेकिन पांच विकेट के नुकसान पे नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हुए जुड़ई की तरफ से सुनना चाहते थे हुआ छह ओवर की समाप्ति पे जुड़ई का स्कोर है 49 रन है। पांच विकेट के नुकसान पे नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। अब उन कड़ी हुई विजेता टीम को 125 पल्सर और उप विजेता टीम को 51,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यानी के हाथ में गेंद सौंपी है कप्तान ने इस ओवर में अगली गेंद लेकर हमसे दूर जाते हुए गोलू के रूप में और विकेट का पतन होता हुआ काफी विकेट के लिए जूझ रहे गेंदबाज और बल्लेबाज। 44 ओवर की अगली गेंद लेकर 34 रन 18 गेंदे 34 रनों की दरकार है जुड़ई को इस मैच को जीतना है। 3 विकेट शेष बचे हुए हैं इस ओवर की अगली गेंद लेकर फुल टारगेट हवा में उसके नीचे फील्डर है और काफी लो फुल टारगेट। इस ओवर की अगली गेंद लेकर हैदर के लिए हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया इस बार गेंद को खेला हवा में नीचे फील्डर है धर्मेंद्र और यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ अंपायर का इशारा का हमें प्रतीक्षा है गेंद सीमा रेखा के अंदर तक पकाई है अन्यथा बाहर अंपायर का एक ही हाथ हवा में तैरता हुआ लहराता हुआ ये 4 रन है। ऐसे कैच मैच में पकड़े जाते हैं हमसे दूर जाते हुए लंबे लंबे कदमों से उठ गए इस बार हवा में गेंद है एक और विकेट का पतन हो सकता है और हुआ वही इस बार नहीं बचेंगे बल्लेबाज हैदर एक अधूरी किनारा लगा था मिड के ऊपर से खेलना चाहते थे ऐसे शॉट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप इस मंजिल को पहुंचना चाहते हैं तो एक एक रन 268 रन 8 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर प्रगति पे है नए बल्लेबाज के हैं बल्लेबाजी करने के लिए कदमों से हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया उनके सामने है तब्बू यार कर लेती गेंद ट्रिपल ब्लॉक लेकर जुनेद हमसे दूर जाते हुए 7 से 8 कर्मों का रंगत है उनके गेंद फुल टाइम गेंद ड्राइव किया कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पर एक टप्पा खाती हुई कवर के क्षेत्र में ये लगा बीएसएनएल चौका काफी खूबसूरत स्टोक वहां पर लो फुल टॉस से वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं थे और तत्पराती हुई गेंद सीमा रेखा पार चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर क्या पहुंचा 72 रन 12 गेंदों पे 13 रनों की आवश्यकता है 2 विकेट हाथ में है कृपा चाहेंगे कि बाज जयपाल उनके सामने है बल्लेबाज धर्मेंद्र जिनकी आंखें चली हुई है काफी समय से यहाँ क्रीज पर मौजूद है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर फुल टारगेट ड्राइव किया है फील्डर उसके नीचे है एक टप्पा खाती हुई कवर के क्षेत्र में गेंद आई है जब तक उसको जाकर फील्ड करने जाते रुक रहते दौड़ का टूर पूरा किया इस टूर के साथ ही टीम का स्कोर क्या पहुंचा है 74 रन 11 गेंद 11 रन शेष 11 गेंदों पे अब 11 रनों की आवश्यकता है 2 विकेट उनके हाथ में है। जयपाल चले इस ओवर की अगली गेंद लेकर हमसे दूर जाते हुए इस बार ड्राइव करना चाहते थे बल्लेबाज से 2-3 कदम पहले वहां पर गेंद को टक्का खिलाया बल्लेबाज ने और पूरी तरह से वहां चकमा खाया बल्लेबाज धर्मेंद्र बाकी का काम पूरा किया हुआ खड़े हुए विकेट कीपर ने डॉट बॉल के साथ अपने रन पर वापस जाते हुए जयपाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया धर्मेंद्र के लिए अच्छी गेंदी शॉट ऑफ लेग गेंद हुक करना चाहते और 75 रन 10 रनों की आवश्यकता है। जयपाल इस ओवर में अगली गेंद लेकर हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया धर्मेंद्र के लिए उनके गेंद अच्छी गेंद थी इस ओवर की अगली गेंद लेकर जयपाल चले अच्छी गेंद थी आप काफी ज्यादा बाहर
चौपाल काफी अच्छी गेंदबाजी चौपाल के द्वारा 100 ओवर में बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है। इस बार अच्छी गेंद करना चाहते थे चौपाल इस ओवर की अगली गेंद में लंबे लंबे कदमों से हमसे दूर जाते हुए अंपायर को क्रॉस किया। इस बार बल्ले पे आ ही गई गेंद तो 3 ट्राई करने के बाद अंत में एक गेंद आई बल्ले पे। इसको हम लोग क्षेत्र में खेला दौड़कर एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ ही टीम का स्कोर ओवर की भी समाप्ति होता हुआ 9 ओवर की समाप्ति पे तुरई का स्कोर है 76 रन यानी 9 रन चाहिए जीतने के लिए। बराबरी के लिए 8 रन चाहिए। एक ओवर का खेल शेष बचा हुआ है तो उनके बल्लेबाज अभी भी 8 विकेट के नुकसान पे 6 गेंदों का शेष खेल बचा हुआ है। ऐसा प्रदर्शन कर पाएंगे और 10 रन नहीं बनने देंगे तुरई के खिलाड़ियों को। एक अनहोनी सा अनहोनी हो रहा है यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा। 2 गेंदों का शेष खेल बचा हुआ है 8 रनों का अभी भी रन चाहिए यहाँ पर तुरई को इस मैच को जीतना है। तो लंबे लंबे कदमों से समीन चले हमसे दूर जाते हुए फूल करना चाहते थे पूरी तरह से चूके वहाँ पर पूरी तरह से वहाँ पे बीच में दर्शक हमारी बात को गौर से सुने। अगर जो आप ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैच खत्म होने के बाद आप संयम बना के रहिए। आप कमेटी बॉक्स पर आइए जितना उत्साह बना सकते हैं जितना जोश दिखा सकते हैं आप कमेटी बॉक्स पर आइए। आपका पूरा हक है क्योंकि आपकी टीम जीत रही है क्वालिफाई कर रही है आगे के लिए और इस ट्रॉफी पाने के लिए आगे के लिए और क्वालिफाई करती हुई लेकर अच्छी गेंद राइट वाला पार का इशारा अभी भी 1 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है 7 रन चाहिए। अगर जो कोई नो बॉल या फ्री हिट या और कुछ अनहोनी ना गुजरता है तो यह अंतिम गेंद होगी। हमारे हिसाब से 7 रनों की दरकार है 7 रन बराबरी के लिए 6 रन। क्या भूवर अपने बल्ले से कारनामा दिखाएंगे क्या मैच को बराबरी पर लेकर जाके छोड़ेंगे ये मैच अंतिम गेंद पर करने के बजाय उससे पहले टीम उनकी दिखे गई और पूरी टीम वहाँ पर एक छोटे से नन्हे से खिलाड़ी ने एक ऐसा कारनामा चौधरी यात्रा को छूने नहीं दिया। 10 रन तक के रखा वहाँ पे छोटे से नन्हे के खिलाड़ी उनके चाहने वाले प्रशंसक उनके खिलाड़ी कंधे